हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों को ये जो हमारा टेबल है इसे प्रिंट करना मैं सिखाऊंगा। जैसे ये मेरा टाइम टेबल है यहाँ पर, ओके। इसमें मैंने जो हमारा वेल्थ और जो टीचर्स का नाम है, सीरियल नंबर है और सब्जेक्ट है, इसमें हमारी क्लास है। जैसे कि देख सकते हो इस पे टीचर्स का नाम, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया और नीचे उसका क्लास, कौन सी सब्जेक्ट कौन सी क्लास में आनी है, इन सारी चीजों को डिटेल्स आ गया। जैसे कि यहाँ पे ये जो लेक्चर है वो फ्री है, यहाँ पे फ्री आ रहा है। इसमें किया गया हूँ ज्यादातर, मैंने यहाँ पे देख सकते हो दो सेल को मर्ज करके एक कर दिया हूँ। जैसे यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें दो सेल की जरूरत पड़ रही है, एक सब्जेक्ट के लिए दूसरा क्लास के लिए, ओके। तो इसलिए यहाँ पे हमने मर्ज कर रखा है। मर्ज करने के लिए आप कोई भी दो सेल को सिलेक्ट करो या कितना भी सेल को आप सिलेक्ट कर सकते हो मर्ज करने के लिए। जैसे मैं इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ मर्ज करने के लिए, उसके बाद जस्ट यहाँ मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो हमारे ये जो इतना टोटल सेल था ये मर्ज होकर एक सिंगल सेल बन गया है, ओके। तो वैसे आप मर्ज कर सकते हो, या फिर जैसे आपने गलती से मर्ज कर दिया तो अनमर्ज कर सकते हो। अनमर्ज करने के लिए भी सेम है प्रोसेस, आप सेल को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद में यहाँ से जाएंगे ऊपर और यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो जो दिख रहा है इसमें जाएंगे और अनमर्ज सेल कर देंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो सेल है वो अनमर्ज हो चुका है, ओके। वापस अगर मान लीजिए मुझे दो सेल को जैसे मर्ज करना है तो जस्ट यहाँ दो सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे मर्ज इन सेंटर में, उसमें नीचे और मिल जाएगा यहाँ पे मर्ज सेल, देख सकते हो ये मर्ज हो चुका है। तो कैसे भी करके आप मर्ज कर सकते हो दो सेल को, ओके। यहाँ पे अब अनमर्ज हो चुका है, तो वैसे आप सेल मर्ज और अनमर्ज कर सकते हो। वापिस अगर प्रिंट करना है जैसे इसे तो कंट्रोल पी करेंगे, बट उससे पहले आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। सबसे पहले इनका सिलेक्शन कर लीजिए, आप पूरे जितने भी आपके टेबल्स हैं इनको सिलेक्ट कर लीजिए पूरे डेटा को, उसके बाद में आप फाइल में जाएंगे और प्रिंट में जाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से कंट्रोल पी भी कर सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हो प्रिंट एक्टिव सेल, आप यहाँ प्रिंट सिलेक्शन कर सकते हो, ओके। उसके बाद में A4 साइज हमारा पेपर रहेगा, तो A4 साइज हम ऑलरेडी सिलेक्टेड है हमारा, कर लेंगे। उसके बाद हमें एक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा पेज सेटअप का, अभी तो यहाँ पे टेबल आ रहा है। जैसे कि हमारा यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा ये डेटा है, डेटा में तो अभी हमारा टेबल इंसर्ट हो चुका है जो ग्रीड लाइन है हमारे, बट अगर नहीं होता है तो जैसे आप यहाँ सीट में जाओगे और ग्रीड लाइन को यहाँ से ऑफ है, आपका ऑफ रहेगा, जनरली ऑफ रहता है, तो देख सकते हो ऐसे प्रिंट होके आएगा आपका। तो ग्रिड लाइंस के लिए आप पेज सेटअप में जाओगे यहाँ पे, उसके बाद सीट और यहाँ से ग्रिड लाइन पे टिक कर दो आप, उसके बाद ओके करो, आपका जो है ग्रिड लाइंस आ जाएंगे यहाँ पे, देख सकते हो, ओके। और प्रिंट करने के लिए जस्ट आप इसे प्रिंट कर सकते हो यहाँ से, या फिर प्रिंटर एड है तो, या फिर PDF वगैरह में भी सेव कर सकते हो, ओके। ये ऑलरेडी डिफॉल्ट है, PDF में ही सेव होगा, या फिर अगर आप चाहते हो उनका साइज वगैरह चेंज करना तो बिल्कुल आप कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा लास्ट मार्जिन सेटिंग, इसमें जाएंगे और यहाँ से कर सकते हैं। बट अगर यहाँ से कंप्लीट सेटअप नहीं हो रहा है तो आप पेज सेटअप में जाओ यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे मार्जिन का ऑप्शन मिल जाएगा, मार्जिन से आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो, टॉप का मार्जिन, लेफ्ट राइट लेफ्ट का, राइट का और बॉटम का, हेडर का कर सकते हो या फिर फुटर का कर सकते हो मार्जिन, आप सेट कर सकते हो, ओके। पेज में जाके आप पेज को फिट कर सकते हो या फिर एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, यहाँ पे परसेंटेज देके, ओके। लैंडस्केप में चाहिए, पोर्ट लैंड में चाहिए, यहाँ से आप सेट कर सकते हो, ओके। और शीट में तो बता ही दिया आपको मैंने, ओके। तो इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो, उसके बाद जब आप सेटिंग कर लेंगे उसके बाद ओके करेंगे और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF कर देंगे, या फिर आप जस्ट यहाँ प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, जो आपका ये फाइल है वो सेव हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे वापस कर देता हूँ, ओके, वापस ये मेरा जो डेटा है वो सेव हो गया। तो ऐसे आप सेव कर सकते हो, ओके, और मर्ज कर सकते हो, अनमर्ज कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि मैंने ये पूरी शीट कैसे बनाया तो आप नीचे कमेंट करना, उसकी कंप्लीट प्रोसेस दिखा दूंगा, ओके। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और आपके मन में कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।